भोजपुरी जगत में इन दिनों कोहराम तेरे मेरे दरमिया और करंट के बीच मचा हुआ है। लेकिन चलिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह के गाने पर ऐड लगा, यानी कि करंट पर ऐड लगा, उनके लिए ये खास वीडियो है। क्योंकि भाई, अगर पवन के गाने पर ऐड लगा है तो खेसारी का गाना भी ऐड के बगैर अछूता नहीं रहा है। वैसे आपको बता दें, खेसारी के गाने पर भी बकायदा ऐड चले हैं, और ऐसा नहीं है कि इसे ऐड में लगाया नहीं गया, यानी प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। वैसे हम शुरू से इस बात को अपने हर एक वीडियो में कहते आ रहे हैं कि भाई, बड़े बड़े स्टार्स ऐड करते हैं, ऐड लगवाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर पवन ने कर दिया, ऐड लगवा दिया, और अगर खेसारी ने ऐड लगवा दिया, तो इसमें गलत क्या है? हर बार हमें एक ऐसा वीडियो ज़रूर लाना पड़ता है जहाँ ये समझाना पड़ता है, भाई ऐड लगाना गलत नहीं है, ऐड हर कोई लगाता है। ऐड प्रमोशन तो भाई बड़ी से बड़ी कंपनियाँ करती हैं, फिर वो चाहे टॉप 10 की कंपनियाँ हो या फिर हो हमारे बॉलीवुड स्टार, साउथ की फिल्में, हर जगह ऐड चलता है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि ऐड लगाना गलत है? फिर भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐड से परहेज क्यों है? फिर क्यों पवन और खेसारी के फैंस आपस में लड़ पड़ते हैं ऐड के लिए कि तुम्हारा स्टार ऐड स्टार है, हमारा स्टार ऐड स्टार नहीं है? भाई, यहाँ सभी ऐड स्टार हैं, ऐसा कोई स्टार नहीं है जिसके गानों का प्रमोशन नहीं किया जाता हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके गानों पर ऐड नहीं लगाया जाता, और ऐसा प्रूफ सभी के सामने है। फिर हर कोई आंखें ना बंद करे। रही बात कि खेसारी के फैंस अगर ये कह रहे हैं कि उनके स्टार के गानों पर ऐड नहीं लगाया, तो हमारे स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, आपके स्टार का गाना ऐड पर लगा हुआ है, बकायदा ये ऐड के लिए चलाया जा रहा है। खैर, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं, अगर चल रहा है वेरी गुड, और नहीं चल रहा है तो भी वेरी गुड। लेकिन हम यहाँ ज़रूर कहेंगे, ना पवन सिंह अछूते हैं ऐड से, और ना ही खेसारी लाल यादव अछूते हैं ऐड से, और ना ही भोजपुरी का कोई सितारा अछूता है, और ये होना भी नहीं चाहिए। अपने चीज़ों का प्रमोशन करना बिल्कुल कतई गलत नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।